भिंड जिले की गोहद और मेहगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां अब बढ़ रही हैं। नरोत्तम मिश्रा ने भिंड जिले के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस उन नेताओं के खिलाफ अनर्गल प्रचार कर रही है जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। मिश्रा ने आगे कहा कि किसी भी नेता ने एक चवन्नी नहीं ली और सिंधिया के सम्मान की खातिर पार्टी छोड़कर वो शामिल हुए। मैं इन दो लोगों के बारे में, ओपीएस के बारे में और रणवीर के बारे में कह सकता हूं, धर्म और ईमान से सौगंध खाके कि चवन्नी नहीं दी गई इनको, चवन्नी एक पैसे के कड़ाने नहीं है। उस प्रोसेस के अंदर ये जो कांग्रेस ने एक अफवाह फैलाई और भ्रम फैलाया, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। अब आती है बात नेता की। वो एपीएस ने भी और रणवीर ने भी कई बार आपसे कहा कि उनके नेता के सम्मान को ठेस लग रही थी। आप सबने भी, आपके भिंड में ही इससे तो शुरुआत हुई थी, जब उन्होंने भिंड में ही किसी विधानसभा में कहा था कि किसान के 50,000 के भी कर्जे माफ नहीं, भिंड में ही कहा था ना। अब वो वाली बात आ गई, वारा खिलाफी की बात आ गई और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस को छोड़ दिया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में ओपीएस और रणवीर सिंह जी ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। अब कोई ये कहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद लिया तो जरा हमको आपको विचार करना पड़ेगा। मोती वाला राजा है, जितनी प्रॉपर्टी हम उसकी ग्वालियर चंबल संभाग में देखते हैं, शायद पूरी कांग्रेस पार्टी की उतनी संपत्ति और प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो उसे खरीद कौन करेगा।